आई नहीं एल नहीं किधर गया जे यू यू जे यू 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 ओके ओके थोड़ा बम बाहर हाँ यू ओके आई डब्ल्यू बन रहा है ये तो आगे पीछे कर रहे हैं पापा सिर्फ बहुत अच्छा कर रहे सर ये बिना बम के पता नहीं चलेगा okay. थोड़ा उनकी थोड़ा एन जे यू एन जंगल बुक जलेबी यू एन जे यू एन के बाद जलेबी कैसे आता है कहाँ मन में बन रही थी ना अरे बाप ये तो घूम गए जंग 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 क्या बात है मुनाली अभी आप करेंगे हे भगवान आपको मैं फिल्म का नाम बता देता एफ है जियो आई कुछ समझ नहीं आ रहा है एफ आई आगे वाला कीजिए ना मुनाली तो किया हाँ तो नहीं समझ में आया इन लोग को ये बगाड़ रवि भैया आप बताएंगे थर्ड वन टी आप बोलो ना मुझे टी 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 हाँ टी एफ आई टी अबे गेस तो करो वो कर रहे हैं आप करो तो चलिए एक बार और सर को समझ नहीं आया Hey, I'm gonna kill them. उदित जी बताएंगे कोई नहीं बोलेगा चलिए उदित जी प्लीज बाय हेवन से ओ थैंक यू क्या बात है सही है सर सही है थैंक यू चलिए आगे अगर गेस्ट नहीं किया मैं जब पर्सनली जाके सबको मुक्का मारूंगा आ जाओ पर्सनली इसी बहाने आओ पापा बताएंगे ना पापा बताएंगे ये खत्म है पापा मत बताना आप ही इकलौते बचा सकते हो मुझे कोई गेस नहीं कर रहा आप प्लीज कर लो वरना मुझे ऐसे ये सब करना पड़ेगा तब से अच्छा लग रहा है किस तरह के मोमेंट्स देखने को मिलते कहाँ हैं वही तो एफ आई टी डबल ओ लास्ट लेटर है मोनाली चलिए और सुनो बे किसी ने गेस किया स्नाइपर बिठा रखा गोली मरवा देंगे पर ओके देन अगर कोई नहीं देन यू फेल गेम खत्म करेंगे के फितु आर पापा क्या कर रहे हैं बोले मोनाली का डांस देखो रवि किशन पगला गए हैं थोड़ी देर में फैंट हो जाएंगे ये बिल अभी आज तब आज पकड़े गए आज ये तुम्हारी मौसमी की जवानी जानी उदित सर मैं कह रहा हूँ आज आप हमारे घर चलिए अपने घर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी नहीं हम तो बच जाएंगे रवि किशन नहीं बचेगा क्या बात है तो थोड़ा देर अपना मुंह ढक लो लोग का मूड खराब हो रहा है अरे मैंने भी आपको बहुत रियली झूठ बोल रहा है कौन तू भाई आई एम जिम ट्रेनर ट्रेनर आपकी तो अपनी तोंद निकली हुई है तुमने कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसमें देखो टीचर कभी खुद पुल नहीं बनाता लेकिन सिखाता वही है समझे गहरा बात कह रहे गहरा बात कह दे भैया ऐसे पता है मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का भी ट्रेनर था वहाँ पे लोगों को जिम का मतलब ही नहीं पता मतलब मैंने एक बंदे से पूछा कि जिम चलोगे कहते बेटा चल तो लेते लेकिन पासपोर्ट नहीं बना हमारा अच्छा होगी बकवास आपकी हाँ इतना उधर देखो कौन आए तुम्हारे पप्पा अरे इतने बड़े सुपरस्टार आज मेरे सामने अरे उदित जी मोनाली जी रवि किशन जी उदित जी से एक्सरसाइज करवाना बड़ा इजी है अच्छा हाँ उनके यहाँ पे डंबल रख दो करते रहते सर 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 पर रवि सर मेरे जिम में आए थे मैंने इनसे कहा पुशअप्स मारो ऐसे ऐसे पुशअप्स मारने लग गए मैंने कहा पुशअप जमीन पे लेट के मारे जाते हैं
कहता मैं इतना आलसी नहीं हूँ कि कोई काम लेट के करूँ। आपने और किस किस को ट्रेन किया? मैंने मुनाली ठाकुर को ट्रेन किया था एक बार। अच्छा, पता है मैंने इनसे कहा डंबल मारो, फिर क्या ये निशान दिख रहे हैं ना? यार मेरे को बड़ा कंफ्यूजन है, देखो पर्सनली बता रहा हूँ, आप ट्रेन कर पाओगे कि नहीं? तुम जैसे लोगों के ना सर और पैर पे हम लोहा लगा के डंबल बनाते हैं। नीचे रख दो, दो लाइन के बाद आपकी भी सेम बेइज्जती करेगा। मारे फूक उड़ के जा तमिलनाडु, बुझे? देखो ट्रेन की टिकट जैसी इसकी शक्ल है तभी ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। वाह वाह, जाओ जाओ। एक मिनट बलराज, तुम एक बात बताना भूल गया, ये बताओ तुम होमवर्क हो क्या? क्यों? हर बच्चा तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता फिर? उठा यार, उठा। अपर दिव्यांश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वैसे बलराज, मैं सिंगर, मोनाली कमाल की सिंगर, पापा लेजेंड। वैसे हमें गाने का एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मन करता है, तो आज एक एक्सपेरिमेंट हो जाए? यस yes. आपके गाने की म्यूजिक, लेकिन लिरिक्स किसी और गाने के। जैसे मोनाली जी, जब हमारे मम्मी पापा आपको देखने आएंगे ना, तो यही गाना गाइएगा। क्यों आएंगे मुझे देखने? देखने उन्होंने कभी अमीर लोग देखे नहीं है ना, वो आते हैं देखने। पापा के साथ हो जाए कुछ? हाँ हाँ। अमेजिंग अमेजिंग। रवि भैया, आपको भी यही करना है। यही? ये लो, पहुंच लो। मुझे पसीना नहीं आ रहा है। अरे मैं पसीने की थोड़ी बात कर रही हूँ, जो मुझे देखकर तुम्हारे मुंह से लाल टपक रही है मैं उसकी बात। यार ये सच मत बोला करो यार, स्क्रिप्ट किया करो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। हो कौन तुम? तुम? हेलो, आप करके बात करो, क्योंकि बाहर जो ऑटो वाले को मैंने कीप द चेंज बोला है ना, तुम्हारी मंथली सैलरी उससे भी कम है। सो कॉल मी मैजिक। मिस ब्लू ड्रेस, आप आई क्यों हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ रवि जी से मिलने आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम मिलेंगे उदित जी से। प्रणाम सर। देखिए उदित जी, ये आपने गलत किया, आपको यहाँ पर अकेला बुला गया था, फिर आपने आदित्य को साथ में क्यों लाया? अगर आपको पता नहीं पता था तो आप पूछ पूछ कर आ सकते थे। आदित्य पहली बार आए थे तो भी पूछ कर आए थे कि नहीं? अरे उसको भी नहीं मालूम था यार पता। अरे मैं रस्ते की बात नहीं कर रही हूँ, सिक्योरिटी को पूछ कर आए थे, इसको अंदर आने नहीं दे रहे। मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आया हूँ। अपने पापा का इंटरव्यू लेने आया हूँ? क्यों भाई, घर पे बातें नहीं होती? हेलो मैडम, आप सुंदर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें। तुम मुझे ना परेशान मत करो, मैं जल्दी से जाकर बचाओ बचाओ बोलकर रवि जी के गले लग जाऊंगी। तो उनसे कौन बचाएगा तुमको? अरे अपने मन से बोल दिया सर इसने कि मैं गले लग जाऊंगी, वो तुम्हें क्यों गले लगाएंगे? अरे नहीं नहीं, रवि जी तो घर के बाहर निकलते ही सबको गले लगाने के लिए, उन्हें तो बस बहाना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपने ये बात पहले कह दिया। रवि जी पहले से सोचे हुए थे कि पहले आप आते ही आपको गले लगाते हैं। थैंक यू मोनाली। हाय। हाय, यू लुकिंग गॉर्जियस एंड आई एम योर वेरी वेरी बिग फैन। थैंक यू सो मच। आपको भी भोजपुरी फिल्म्स में ट्राई करना चाहिए। ऑफ कोर्स, यस, व्हाई नॉट। यस, इतना क्रेज है वहां पर इनका, बिहारी भी पगलाए हैं सब आपके पीछे, एकदम करेजा सब लोग का फट जाता है आपकी आवाज सुन। बट आप नहीं कर सकती, आप इनको भोजपुरी नहीं आती है। अरे तो क्या हो गया, रवि जी को भी साउथ इंडियन लैंग्वेज थोड़ी आती है। हाँ। लेकिन वहाँ के मोटे मोटे हीरो को मस्त एक दो चार छपेट मार के आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ? और फिर यहाँ की क्यूट सी चबी चबी हीरोइंस को भी, रवि जी सच्ची बताइए, कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ के हीरो को पप्पी दे दी और यहाँ की हीरोइन को मुक्का मार दिया? रवि सर आप यहाँ है तो ऐसे तो हो नहीं सकता है कि हम एक मोमेंट ना क्रिएट करें। ऑफ कोर्स यस, प्लीज कैन वी? बहुत मजेदार था। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सम्मान।
जो हमारा सामान लुट गया कोने में उसका क्या है? और जबरदस्त तालियां रवि भैया के लिए रे। थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक यू मोनाली, थैंक यू पापा। लेकिन हम फिनाले ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोनाली आई हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं, इतना प्यारा सा उनका गाना रिलीज हुआ है, और अगर वो हमारे सामने वो परफॉर्म नहीं करेंगे।